तो गाइस यार मेरा वेट हो गया ख़त्म और आ चुका है हमारा पार्सल। ये बेसिकली हमारा न्यू व्लॉगिंग माइक है, तो इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। अभी अभी आया है ये अमेज़ोन से, इसका डिब्बा खोल लेता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे देखो एक माइक आया है और बिल आया है और कुछ नहीं डिब्बे में। उसके बाद यहाँ पे माइक कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। बिल को मैं फेंक देता हूँ कूड़े में और इसकी मैं पॉलीथीन को हटा देता हूँ। ऊपर वाली अच्छा प्रोटेक्शन के साथ आया है और इसको मैं ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे देखो एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, काफ़ी सही पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, और एक बॉक्स मिल जाता है छोटा सा, और ये हमारा माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम एयरपॉड्स के डिब्बे की तरह है। चार्जिंग का भी केबल दी गई है। अब इस बॉक्स को खोलूँगा छोटे वाले, तो इसमें मेरे को मिल जाएगी चार्जिंग केबल और यहाँ पर टाइप सी एंड लाइटनिंग पोर्ट माइक को कनेक्ट करने के लिए, आईफोन अगर आपके पास है तो। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं इन बॉक्स। तो यार अभी जो वीडियो शूट हो रही है वो बिना नॉइस रिडक्शन के है, इस गैरेनियो माइक्रोफोन के। अब मैं नॉइस रिडक्शन का 1 लेवल ऑन करता हूँ, तो अभी लेवल 1 में है नॉइस रिडक्शन। तो अभी लेवल 2 में है नॉइस रिडक्शन। तो अभी लेवल 3 में है नॉइस रिडक्शन। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज रहा है सुबह का 7:30 और मैं माइक को टेस्ट करने के लिए यहाँ ऊपर छत में आ गया हूँ। साइड में वहाँ से मंदिर से स्पीकर्स की भी आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा नॉइस भी है और साथ में पक्षी भी चहचहा रहे हैं, तो उनका भी नॉइस है। तो इसका नॉइस रिडक्शन टेस्ट भी आज हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड है, इसमें ये मोबाइल को मैं फंसा दूंगा और उसके बाद माइक को इसे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए यार, अभी माइक कनेक्टेड नहीं है, आप बताना ऑडियो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, प्लस आपके पास कितना तेज ऑडियो पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा आपको ऑडियो नहीं मिलेगा मेरा, क्योंकि ये मोबाइल के डिफॉल्ट माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। अभी ये माइक का ट्रांसमीटर इधर है मेरे पास और माइक इधर है डिब्बे में, तो उसको अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप बताना ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है माइक की, प्लस आपको मैं माइक और फीचर भी बता दूंगा। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रही है माइक से आ रही है, और इसको जेब में डाल लेता हूँ। तो बेसिकली इसमें 2 पीस है, एक और इसका सेम पीस है, तो ये ड्यूअल है। मतलब अगर 2 लोग वीडियो बनाते हैं तो एक जन ये एक रख लेगा और दूसरा ये, तो उस हिसाब से काम करेगा। तो मेरे व्लॉग में बहुत सारे लोग इंक्लूड रहते हैं, तो इसलिए मैं ये 2 पीस वाला बुला लिया हूँ। बाकी आपको लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक सिंगल माइक का भी जिसका रेट थोड़ा कम रहेगा, और ये ड्यूअल माइक का भी। तो मेरे पास जो है वो ड्यूअल वाला है, तो इसको मैं लगा लेता हूँ उस टी शर्ट में। और इसका हम अब नॉइस रिडक्शन भी चेक करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं बिना नॉइस रिडक्शन के, अभी ये लेवल 3 में 3 लेवल रहते हैं नॉइस रिडक्शन के। मतलब अगर एक बार सिंगल क्लिक करूँगा लेवल 1, फिर उसके बाद फिर से क्लिक करूँगा लेवल 2, फिर से क्लिक करूँगा लेवल 3। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे सिंगल क्लिक किए हो लेवल 1 में है नॉइस रिडक्शन की। आप बताना कि नॉइज़ आ रही है या नहीं आ रही है, वॉइस कैसा आपको लग रहा है। तो लाइट अभी 2 बार ब्लिंक किया, लेवल 2 में है ये। अभी बताना कि थोड़ा ज़्यादा और नॉइस रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ है। अब लेवल 3 की बारी। तो अभी ये लेवल 3 में है, अब बताना आपको वॉइस कैसा आ रहा है और कुछ ज़्यादा ही आपको नॉइस रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से आप नॉइस रिडक्शन भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये माइक को प्रेफर किया है। और वरना मैं एक 30,000 वाला माइक देख रहा था जो रोड का आता है, रोड वायरलेस गो करके, तो वो बेस्ट माइक है, ज़्यादातर बड़े यूट्यूबर्स वही यूज़ करते हैं। लेकिन फिर मेरे को ये माइक दिखा और दोनों में लगभग फीचर सेम है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ये 3,000 वाला है और वो 30,000 वाला है, 10 गुना अमाउंट का फ़र्क है। लेकिन मैं ऑडियो एडिट भी करता हूँ अभी वीडियो बनने के बाद, तो उससे क्या होता है लगभग सेम हो जाती है ऑडियो। जैसे 30,000 वाले माइक जो ऑडियो देगा वैसे सेम मैं एडिट करके बना सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को ये वैल्यू फॉर मनी लगा, तो इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया। तो अभी मैं नॉइस रिडक्शन हटा देता हूँ, तो नॉइस रिडक्शन हट गया। अब इसका वाइड रेंज चेक करेंगे कितना है। तो अभी मैं एक कैमरे से इतना दूर हूँ, अभी देखते इतना दूर थोड़ा और दूर आ जाता हूँ। अब बताना ऑडियो कैसा आ रहा है, तो इसका कनेक्टिविटी भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं इतने दूर हो गया हूँ, लास्ट तक के चले जाता हूँ यहाँ। तो अभी मैं इतने दूर आ गया, आपको आवाज़ कैसी आ रही है वो बता देना।
थोड़ा और पास आ जाए, तो जैसे जैसे पास आऊँगा उतना अच्छा आपको ऑडियो मिलते रहेगा। तो काफ़ी सही चीज़ है, वायरलेस माइक ज़्यादा बेटर लगा मुझे। वायर के कारण थोड़ा दिक्कत होता है वीडियो बनाने में, तो मैं माइक का यूज़ नहीं करता, जिससे व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ये माइक आ चुका है, अब इसी से व्लॉग्स बनेंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी व्लॉग में भी ऑडियो की। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो यार इस माइक में और फीचर्स भी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं डबल टैप करूँगा बटन में, ठीक है, कंटिन्यू, तो इससे क्या होगा, वॉइस रुक जाएगी, मतलब वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी ये माइक से। अब क्या रहता है, कभी भी आप वीडियो बना रहे हो, आपको माइक बंद नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है, उस पार्ट के लिए ऑडियो को म्यूट कर देना है, या फिर कुछ आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए इसमें आप डबल क्लिक करोगे आवाज़ नहीं आएगी। आपको दिखा देता हूँ, तो फिर से मैंने दो बार क्लिक किया तो ये बैक नॉर्मल में आ गया है। अब आपको इसका रिवर्ब का ऑप्शन बताता हूँ, मतलब आपको इको ज़्यादा चाहिए, गुंजी हुई आवाज़ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, तीन बार क्लिक करना है आपको। अगर म्यूट करना है तो दो बार कंटिन्यू क्लिक करना है, और अगर आपको इको बढ़ाना है तो आपको तीन बार लगातार क्लिक करना है। तो चलिए मैं इको बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं इको बढ़ गया है, मेरी आवाज़ काफ़ी गुंजी हुई आपको लगेगी, और ऐसा लगेगा मैं कोई खाली जगह पर वीडियो बना रहा हूँ, तो आवाज़ मेरी गूंजेगी। तो ये माइक का फीचर है काफ़ी अच्छा है। अब इसको अगर बैक नॉर्मल लाना है फिर से, तो फिर से आपको तीन बार और क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, तो मैंने तीन बार फिर से क्लिक किया, अब ये फिर से नॉर्मल में आ गया। तो इस तरह से और आपको फीचर्स मिल जाते हैं इसमें, म्यूट करने का फीचर, नॉइस रिडक्शन का, और इको बढ़ाने का। तो ये चीज़ भी मेरे को इसका काफ़ी अच्छा लगा है। तो अगर ये माइक आपको पसंद आया, इसका ऑडियो क्वालिटी अच्छा लगा, प्लस ये वैल्यू फॉर मनी है, तो आप बाय कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अमेजोन से इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है ये डुअल सेट वाला माइक है, तो इसका कॉस्ट है 3000 रुपीज़। लेकिन अगर इसका सिंगल वाला आप माइक लेंगे तो ये 1800 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं, या फिर आप सिंगल अकेले खुद वीडियो बनाते हैं, तो आप सिंगल पीस वाला माइक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को इंक्लूड करते हैं वीडियो में, या फिर पॉडकास्टिंग करते हैं, तो उसके लिए ये डुअल पीस वाला माइक है। तो इसलिए तो आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, पसंद आए तो आप बाय कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।